हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ रेड सॉस पास्ता। यहाँ पे हमने पास्ता ले लिया। कढ़ाई में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी गर्म हो गया, अब हम यहाँ 2 चम्मच नमक डाल देंगे। पास्ता लिए है हमने 500 ग्राम। अब हम पानी में पास्ता डाल देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। इसको हमें बॉयल करना है। पास्ता हमारा बॉयल हो गया है। हमने हाई फ्लेम में 6 से 7 मिनट तक इसको बॉयल किया। अब हम इसको निकाल लेंगे पानी में से। गैस को बंद कर देंगे। अभी हम पास्ते में रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से पास्ता चिपकेंगे नहीं। तेल डाल के इसमें मिक्स कर देंगे। कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो गया, अब हम यहाँ पे लहसुन डालेंगे कटी हुई। यहाँ पे हमने 2 लहसुन लिया था। यहाँ पे हमने 7-8 हरी मिर्ची ले लिया, काट के ऊपर डाल देंगे। लहसुन के कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें 3 टमाटर छोटे काट लिया, इसको डाल देंगे। नमक डाल देंगे हम। पास्ता बॉयल करते समय इसमें नमक डाला था, अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पे हम 1 चम्मच भूजा हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे। अभी हम पास्ता मसाला डाल देंगे। 2 पैकेट पास्ता मसाला, इसमें अच्छे से मिलाएंगे। मसाला हमारा भून चुका है, अब हम उबले हुए पास्ता को डाल देंगे। बच्चे बहुत पसंद करती है ऐसी पास्ता। अभी बनाइए। मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए। चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नया वीडियो जो भी अपलोड करूँ आपको तक पहले पहुँच जाए। अभी हम टमाटो सॉस डाल देंगे। अच्छे से मिलाएंगे। अभी हम खड़ा प्याज डाल देंगे। पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी, हम गैस को बंद कर देंगे।